आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो पीएसएलवी C-51 की करेगा लॉन्चिंग। पीएम मोदी की तस्वीर और नाम को भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। इसरो के पीएसएलवी C-51 अमेजोनिया 1 मिशन का काउंटडाउन शुरू, सुबह करीब 10:30 बजे होंगी लॉन्चिंग। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम का मस्जिद में ऐलान, जीते तो मौलाना इमामों का बढ़ेगा भत्ता, बीजेपी को वोट न देने की अपील। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से बंगाल में करेंगे चुनावी सभा, कई कार्यक्रमों समेत परिवर्तन रैली में होंगे शामिल। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बढ़ी सरगर्मी, आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कांग्रेस और लेफ्ट का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग का एक्शन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को चुनाव आयोग ने हटाया। पश्चिम बंगाल में रथों में तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की टीएमसी की शिकायत, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अपना रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 74वां संस्करण, कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर सकते हैं बात। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आई आम आदमी पार्टी, मेरठ में आज किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज भारतीय किसान यूनियन की सहारनपुर के लखनौर में महापंचायत, किसान नेता राकेश गैत किसानों को करेंगे संबोधित। पहले से ही रची गई थी लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश, पिछले साल पकड़े गए बब्बर खालसा के 2 आतंकियों के मोबाइल फोन से हुआ खुलासा। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, तमिलनाडु कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही जिले के एक बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर भी करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा के साथ रोहनिया में बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 81 नगर पालिका के लिए चुनाव, आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी। प्रैंक के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गैंग का पर्दाफाश। डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस पर केंद्र की सफाई, कहा कि नया नहीं पुराना है नियम, रविशंकर प्रसाद बोले जजों के फैसले पर सवाल उठाना गलत। कश्मीर घाटी में जारी है बर्फबारी, गुलमर्ग में इतनी बर्फ गिरी कि घर सड़क और पेड़ पौधे सब कुछ हुए सफेद। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को किया गया बंद, -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। अब तक पूरे देश में 70% स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोरोना वैक्सीन, टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना वैक्सीन की तय की कीमत, 1 मार्च से देश के निजी अस्पतालों में सिर्फ 250 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से की बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 8,623 सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अमरावती में 1 हफ्ते बड़ा लॉकडाउन, पूरे शहर में छाया सन्नाटा, 8 मार्च तक लागू रहेगी शहरबंदी। पति और ससुराल वालों से तंग आकर अहमदाबाद में हंसते हंसते नदी में कूद गई विवाहिता, मौत से पहले शेयर किया वीडियो। यूपी के आगरा में एक बार फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, शादीशुदा मुस्लिम युवक ने नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर किया अगवा। पाकिस्तान के सिंध में पैदा हुई लक्ष्मी पहली बार इंदौर में अपने दादा दादी से मिलेगी, लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंस गया था भारतीय परिवार। महाराष्ट्र के नासिक में स्निफर स्पाइक को पुलिस ने सम्मान के साथ किया रिटायर, नासिक सिटी पुलिस फोर्स के बम डिटेक्शन दस्ते के लिए करता था काम। उत्तराखंड की चमोली में ऋषि गंगा नदी पर बनी कृत्रिम झील के महीने मुहाने को SDRF और ग्रामीणों ने खोला, झील के दबाव को कम करने और किसी अनहोनी को टालने के लिए फैसला लिया गया। SP नेता अनिल यादव का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, पार्टी पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का लगाया आरोप, कहा पार्टी के लोगों ने की पत्नी से अभद्र टिप्पणी। नोएडा में घर के अंदर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मौके से पुलिस ने 4 लड़कियों समेत 11 आरोपियों को दबोचा, भारी मात्रा में शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। MP के दामों में CM शिवराज का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी महिला थाने की स्थापना। दमोह के किसानों को शिवराज सरकार का तोहफा, किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की सौगात। गोरसे भक्त से कांग्रेसी बने बाबूलाल पर पार्टी में घमासान जारी, बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का काफिला रोका। मध्य प्रदेश में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की नकेल, राजधानी में दहाई गई कॉमर्शियल बिल्डिंग, सहकारी समिति की जमीन पर अवैध कब्जा कर हुआ था निर्माण। बैतूल पुलिस के हत्या चले 2 शातिर ड्रग्स तस्कर, 2 करोड़ की अफीम जब्त, राजस्थान से लाकर बैतूल में बेचते थे अफीम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 भाइयों ने सरेआम की फायरिंग, 1 शख्स को लाठी डंडों से पीटा गया, पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शुरू होगा अभियान, 1 मार्च से 31 मार्च तक आपके द्वार आयुष्मान, 65 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ। भिलाई में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5 आरोपी बताए जा रहे हैं नाबालिग।
टीकमगढ़ में सामने आया पुलिस का अमानवीय चेहरा। पलेरा थाने में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, एसपी ने आरक्षक को किया निलंबित। बिहार में शराबबंदी कानून की उड़ी धज्जियां, मुजफ्फरपुर में दो लोगों की जान गई, जहरीली शराब से मौत का शक। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और कृषि कानूनों के खिलाफ रांची में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, राजभवन के सामने दिया धरना। सीतामढ़ी दरोगा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चौथा अपराधी मुठभेड़ में हुआ ढेर। राजस्थान के भरतपुर में युवक की धुनाई, चोरी के शक में पेड़ से बांधकर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करों का आतंक, 22 गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया, ट्रक में मिली 7 मृत गायें, आरोपी गौ तस्कर मौके से फरार हुआ। दौसा में दर्दनाक हादसा, 3 बाइक सवारों की मौत, कार ने बाइक को मारी थी टक्कर, घायलों का इलाज जारी। पंजाब में फिर गरमाया गैंगस्टरवाद का मुद्दा, अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर लगाया गैंगस्टरों को पनाह देने का आरोप, कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। आईसीसी का बड़ा ऐलान, बिना दर्शकों के होगी वनडे सीरीज, भारत और इंग्लैंड की सीरीज के वनडे मुकाबले 23 से 28 मार्च के बीच होने वाले। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स की सेहत में हो रहा है सुधार, 1 हफ्ते पहले हुई कार दुर्घटना में लगी थी गंभीर चोट, लॉस एंजलिस में चल रहा था इलाज। अभी के देश नाइजर की राजधानी नियामी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प, चुनाव नतीजों के बाद से ही जारी है पूरे देश में हिंसा।